Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी host and दोस्त. Guys, इस वक्त मैं खड़ी हूँ डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है. तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी. आई एम बैक विथ अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक वेरियंट का. इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ. सो गाइज, भारतीय कंपनी टाटा ने भारत की पहली ऑटोमेटिक सीएनजी लॉन्च कर दी है जो आपके सामने खड़ी हुई है. तो इसको हम टाटा टियागो सीएनजी के नाम से जान रहे हैं. अगर मैं इसकी लाइनअप की बात करूं तो इसको दो वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, XTA एंड XZA प्लस. जिस कार का आज मैं रिव्यू करूंगी इसको हम XTA वेरिएंट के नाम से जानते हैं. और एक चीज आपको मैं यहाँ पर और बता दूं, ये आपका फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है. अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूं ये आपका ग्रे कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है. इसके अलावा इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो. अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूं तो हमने टाटा टियागो पहले ही देख रखी है, काफ़ी शानदार लगती है. एक हैचबैक कैटेगरी में अच्छा खासा टाटा ने ऑप्शन दिया है टियागो के फॉर्म में. लेकिन अब इसमें इन्होंने क्या सोने पे सुहागे वाली बात करी है कि पहले जो सीएनजी ऑप्शन था वो मैनुअल के साथ ही आता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक के साथ भी आ जाएगा. फर्दर क्योंकि टाटा ने इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी लास्ट ईयर, तो जो आपकी सिलेंडर की प्लेसमेंट है वो बूट के नीचे वाली साइड पे करी गई है, जिससे आपको अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है बूट में. जब मैं बूट को दिखाऊंगी तो आपको मैं वो भी दिखा दूंगी. चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ. बहुत ही मस्त लुक है जैसे कि मैंने बताया. देख लेते हैं इसके फ्रंट फेशिया को. तो कुछ इस तरह की यहाँ पर कंपनी ने आपको फ्रंट लुक ऑफर करी है, काफी स्मार्ट लग रही है. देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन. तो आते हैं इसके क्लोजर, स्टार्ट करेंगे इसके सेंटर के साथ. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम फिनिश के साथ टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा सेंटर में, और ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारी यहाँ पर ग्रिल दी गई है एरो पैटर्न में, अच्छी लग रही है. और उसके साथ अगर मैं इसके हेडलाइट सेटअप को दिखाऊं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है. और ये जो आपकी हेडलाइट है वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगी. यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है, ये भी आपको नॉर्मल बल्ब में ही देखने को मिल जाता है. जो इसका अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है इसकी क्रोम लाइनिंग जो कि यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है और मर्ज होके लेफ्ट हैंड साइड की हेडलैम्प की तरफ जा रही है, स्मार्ट लग रही है. नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो. ये है इसकी नीचे की ग्रिल की लुक, ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है, स्मार्ट लग रही है. अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूं तो इसको सेम बॉडी कलर के साथ ही कंप्लीट किया गया है. ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सबसे पहले वाइपर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है. सो ये था इसका फ्रंट फेशिया. अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को. ये है कार की साइड प्रोफाइल, ये भी बहुत नाइस लग रही है. अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 168 mm. फ्रंट व्हील की बात करूं तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है. चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन. तो सबसे पहले इसके डोर हैंडल्स को दिखाऊंगी मैं. तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाएगा, ग्रे कलर में ही प्रोवाइड कराया गया है. देखते हैं इसके ORVM को, तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है, और नीचे यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है. अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है लेकिन फोल्डेबल नहीं है. दिखाती हूँ मैं इसके टायर्स को, तो यहाँ पर आपको 14 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स ही देखने को मिल जाते हैं जो कि अपोलो के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं. सेंटर में आपको व्हील कवर ही देखने को मिलेगा. अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 175/65R14. यहाँ पर आपको क्लैडिंग का कोई वर्क देखने को नहीं मिलता है, सब बॉडी कलर ही यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है. इसके साथ यहाँ पर ऊपर आपको, क्योंकि टाटा ने 25 साल में 50 लाख गाड़ियां बेची है, तो उसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है. फर्दर अगर मैं इसके ए बी एंड सी पिलर की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है. सो दिस वाज द साइड लुक ऑफ द कार. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार. ये है टियागो की रियर प्रोफाइल, काफी स्मार्ट एंड एलिगेंट लग रही है. देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन. स्टार्ट करेंगे टॉप के साथ. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल एंड सीएनजी की बैजिंग देखने को मिल जाती है. सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ, और उसके नीचे टियागो की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि अगेन क्रोम एलिमेंट में ही प्रोवाइड कराई गई है.
राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको ICNG की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ। और उसके साथ अगर मैं इसके टेल लैंप की सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है और ये भी आपका हैलोजन में ही प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। और अगर मैं इसके स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो ये फ्रंट की तरह पीछे में भी आपको बॉडी कलर्ड वर्क ही देखने को मिल जाता है। यहाँ नीचे की तरफ आपको दो पडल लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग। चलिए अब खोलते हैं इसके बूट को एंड चेक करते हैं इसकी स्पेस को, तो यहाँ पर आपको मैनुअल ओपनिंग ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 242 लीटर्स। तो दिखाते हैं इसको, तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिस वजह से आपको ऊपर लगेज स्पेस मिल जाती है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ तो यहाँ पर आप अपना लगेज प्लेस कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जिसकी कैपेसिटी है 3 kg, और एक हुक की प्लेसमेंट आपको राइट हैंड साइड भी देखने को मिल जाती है 3 kg कैपेसिटी के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। बूट बंद करने के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट दी गई है। तो अब हमने बूट को देख लिया तो बंद कर देते हैं इसको यूज़ करके। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि स्टीलर में ही प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए अब हमने देख लिया इसके एक्सटीरियर को, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर साइड गेट के साथ, तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, स्मार्ट लग रहा है। डोर हैंडल आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर आपको चाबी रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस दी गई है या फिर कुछ और सामान आप रख सकते हो जो भी आप यहाँ पर फिट कर पाओ। और उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इधर की तरफ आपको ORVM के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, एक हो गया राइट हैंड साइड, एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और 2 पीछे वाले डोर्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। ये है इसके ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी ऑफर कर दिया जाता है। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये है इसकी को ड्राइवर साइड सीट। तो यहाँ पर आपको 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी अपहॉल्स्ट्री की बात करूँ तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ग्रे एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, फेब्रिक अपहॉल्स्ट्री ही प्रोवाइड कराई गई है, बैठ के काफी कुशन एंड कम्फर्टेबल लग रहा है। अगर मैं इसके दोनों हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वो एडजस्टेबल ही देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जाऊं तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इसके सराउंडिंग में आपको क्रोम एलिमेंट भी प्रोवाइड कराया गया है जिससे इसकी लुक इनहांस हो रही है। उसके साथ अगर मैं इसकी डैशबोर्ड की लुक दिखाऊं, यहाँ पर आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, हार्ड टच ही देखने को मिलेगा, इनफैक्ट नीचे भी हार्ड टच ही प्रोवाइड कराया गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसके ग्लोव बॉक्स को, तो खोलते हैं इसको तो यहाँ पर आपको इतनी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी जो कि अच्छी खासी प्रोवाइड कराई गई है। तो भर भर के यहाँ पर आप सामान रख सकते हो। बंद करते हैं इसको, आ जाते हैं इसके सेंटर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, सराउंडिंग में अगेन क्रोम एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है, और उसके सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 DIN म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है हार्मन के द्वारा। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो वो है 8.89 cm। फर्दर इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है, तो अगर आप फोन वगैरह चार्जिंग पे लगाते हो तो आप उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर नॉब का ऑप्शन दिया गया है, ये आपका 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ वर्क करेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ऑटोमेटिक। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराई गई है जिसके टिप में क्रोम एलिमेंट प्रोवाइड कराया गया है। पीछे की तरफ भी आपको एक बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया गया है।
सेंटर में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देती है। अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो वो है 2.5 इंच। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराया गया है फ्लैट बॉटम शेप के साथ। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश का वर्क देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड आऊं तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया, यहाँ से आप अपनी हॉर्न ब्लो कर सकते हो। और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, तो इससे आप अपना इंफोटेनमेंट कंट्रोल एंड कॉलिंग कंट्रोल यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको हॉर्न ब्लो करने के लिए स्विच प्रोवाइड करा दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं प्रोवाइड कराया गया है। राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में अगेन आपको क्रोम एक्सेंट प्रोवाइड करा दी गई है। इसके साथ नीचे यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको 2 पैडल का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो, और उसके साथ यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए एंड फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए भी बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। क्योंकि मैं अब इसका स्विच दिखा रही हूँ तो मैंने उसकी प्लेसमेंट आपको नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसको को ड्राइवर साइड प्लेस करा गया, तो आपको मैं जल्दी से जाके वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ को ड्राइवर साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके सीएनजी की कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 60 लीटर, और अगर मैं इसकी पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 35 लीटर। यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको मैनुअल आईआरबीएम की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ वैनिटी मिरर। सेफ्टी परस्पेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूँ तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसके की को। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की एक प्रोवाइड कराई गई है, तो पीछे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, और दूसरे साइड आपको लॉक फॉलो मी होम लैम्प एंड अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका बटन दिया गया है, तो इसको प्रेस करके आप अपनी मैनुअल की को इजीली खोल सकते हो, और इसी को प्रेस करके आप इसको अंदर इंसर्ट कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक मैनुअल की भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ सेंटर में टाटा का लोगो प्रोवाइड कराया गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसके हेडरूम को। तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा, विच इज रियली नाइस। चलिए अब देख लेते हैं इसके रियर केबिन को। तो खोलते हैं इसके डोर को, तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप ट्विटर की प्लेसमेंट भी करा सकते हो। तो ये है पीछे की सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। रियर में आपको 2 इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ यहाँ पर आपको 3-पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया जाता है। पीछे 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन अगर 2 एडल्ट बैठ रहे हैं तो उसके साथ एक बच्चा इजिली यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है, एक आपको को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाती है, और आपको ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है, और राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप की प्लेसमेंट करी गई है, तो ये आपका LED में ही देखने को मिल जाएगा, क्या बात है। नीचे की तरफ जैसे मैंने पहले बोला था, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है, तो रियर में आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। फर्दर अगर मैं को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड सीट पॉकेट की बात करूँ तो वो भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। अगर मैं इसके नी रूम एंड लेग स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है, और उसके साथ अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी एक कम्फर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो गाइज, ये है इसकी डैशबोर्ड की कम्प्लीट लुक, जो की बहुत ही मस्त लग रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी दोनों में ही 4 out of 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर 1199 cc का 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 72.41 bhp की पावर एंड 95 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो वो है 26.49 किलोमीटर पर kg, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। टॉप
स्पीड की बात करूं तो वो है 150 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 7,90,000 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।